आज लहरे पर गेस्ट है बहुत खास, जिन्होंने टीवी और फिल्मों में निभाए हैं कई किरदार। मैं बात कर रही हूँ सानंद वर्मा की, जिन्हें आप लोग सक्सेना जी के नाम से जानते हैं। वेलकम टू लहरे। कैसे थैंक यू वेरी वेरी मच। हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो सानंद, आपने अपने करियर में बहुत से किरदार निभाए हैं, लेकिन ये सक्सेना जी का जो किरदार है, इसने आपको घर घर में फेमस कर दिया है। आप मैं मानते हैं ये बात? बिल्कुल मानता हूँ और मेरा ये मानना है कि सक्सेना जी का जो ये किरदार है, इस किरदार ने सबसे पहले मुझे बताया कि लोकप्रियता क्या होती है, पॉपुलैरिटी क्या होती है, फेम क्या होता है। मुझे सबसे ज्यादा लोगों ने जाना सबसे पहले इसी से। उसके बाद तो मैंने बहुत सारे काम किए हैं और उसकी वजह से भी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन सक्सेना जो है वो सबसे करीब है मेरे दिल के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पवित्र और बहुत ही शानदार किरदार है। मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि मुझे सक्सेना जी का रोल निभाने का मौका मिला। और किस तरह से आपको ये रोल, हालांकि बहुत साल हो गए हैं, किस तरह से आपको ये रोल मिला था, आपको याद है? हाँ, मुझे एक्चुअली मैं ओरिजिनल चॉइस नहीं था इसकी, किसी और को इसके लिए कास्ट किया गया था, पर जिसको कास्ट किया गया था उसके पास कुछ डेट वगैरह का प्रॉब्लम था, तो फिर लास्ट मिनट पे शशांक बली ने मेरा नाम सजेस्ट किया, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि सानंद जो है वो नेचुरली पागल लगता है, तो उसी को इस पगलेट के किरदार में कास्ट करना चाहिए, वो एकदम फिट बैठेगा, परफेक्ट फिट वही है। तो शशांक बली ने रेकमेंड किया और मुझे ये रोल ऑफर हुआ और मैंने तुरंत हाँ बोला। इसको इतना अच्छा रोल था ये कि मैंने कहा कि दिस इज गोइंग टू रिवोल्यूशनाइज इंडियन टेलीविजन, सो आई थॉट दैट आई मस्ट टेक अप दिस अपॉर्चुनिटी। और मेरा ऐसा मानना है कि कॉमेडी करना सबसे मुश्किल काम है ना, दूसरों को हंसाना। और आप ये काम इतने सालों से रोज कर रहे हैं, तो कभी ऐसा दिन होता है कि आप सैड फील कर रहे हैं, आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा, तो किस तरह आप एक कॉमेडी सीन देते हैं? देखिए क्या है कि एक एक्टर को हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उसकी पर्सनल लाइफ जो है, उस पर्सनल लाइफ की जो भी मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों को भूल के जब वो कोई किरदार निभाता है तो उस किरदार को वो अपनाए और उस किरदार के साथ इंसाफ करे। ये पहली शर्त है एक्टर होने की। अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तो आप हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को किनारे रख के आप जो किरदार है उस किरदार पे फोकस करते हैं, उस किरदार को फील करते हैं और उस किरदार में ढल जाते हैं। तो मेरे साथ क्या हर एक्टर के साथ ये होता होगा, जो लोग भी कॉमेडी करते हैं उनके साथ ये होता होगा कि वो कभी दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन जब उनको वो करना है तो करना है। तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और मैं यही फील करता हूँ कि मैं अनोखेलाल सक्सेना हूँ और मेरा जन्म हुआ है दर्शकों को हंसाने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए, और बस मैं सब कुछ भूल के अपना काम करने लगता हूँ। जी, और कैसा एक माहौल रहता है सेट में? प्रेशर में काम करते हैं कि अपना स्केड्यूल पूरा करना है, या फिर मस्ती मजाक में हो जाता है काम? असल में हमारा काम मस्ती मजाक में ही होता है। इसका रीजन यह है कि हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं के कैरेक्टर को इतना ज्यादा निभा चुके हैं कि वो बहुत ही स्वाभाविक रूप से हमारे हमारे साथ रहता है वो चरित्र, और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब भी कोई एक्टर कोई रोल निभाना शुरू करता है तो पहला दिन या शुरुआती जो वक्त होता है, पहला दिन, दूसरा दिन, शुरुआती कुछ अरसा जो है उसमें उसको सुर समझने में या सुर को सेटअप करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब कोई किरदार हम लंबे समय तक निभा लेते हैं तो वो किरदार हमारे अंदर रच बस जाता है। और भाभी जी के सभी कलाकारों के साथ यही हुआ है, जो लोग भी हैं सबके साथ उनके 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 किरदार जो है वो रच बस गए हैं और अब हम लोग एकदम मस्ती मजाक में ही काम करते हैं और आराम से सीन निकाल देते हैं। जी, शुरू से एक्टर बनना चाहते थे? मैं शुरू से एक्टर ही एक्चुअली बनना चाहता था, क्योंकि मैं
मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत ही नेचुरल एक्टर हूँ, और जब मैं एकदम बच्चा था उस समय भी मैं ऊपर तक के बटन वगैरह लगा के देवानंद की तरह वॉक करता था और रंग बिरंगे कपड़े पहनता था, देवानंद का फैन हुआ करता था मैं। तो मैं फिर और भी बहुत सारे जैसे कि अमिताभ बच्चन हैं, अमिताभ बच्चन को भी मैं बहुत फॉलो करता था। तो बचपन से मैंने एक चीज पर गौर किया है कनिका, कि मैं जब भी कुछ भी करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के ऐसा इंटेंशनली करता हूँ, पर ये बहुत ही नेचुरली आता है मेरे साथ। व्हाट एवर आई एम डूइंग आई फील लाइक एन एक्टर ऑल द टाइम, अंडरस्टैंड। और ये चीज बचपन से है, बचपन से मैं हमेशा एक्टिंग के लिए ही मरा रहता था कि मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। और मैंने थिएटर बहुत कम किया, पर मैंने मुश्किल से 3-4 प्ले किए होंगे, और मेरे दूसरे नाटक में मुझे स्टेट लेवल पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था 70-80 एक्टर्स के बीच में। तो जी हाँ, मैं शुरू से ही एक्टर बनना चाहता था और साथ में सिंगर भी बनना चाहता था, क्योंकि गायकी भी एक ऐसी चीज है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं हमेशा गाना गाता रहता हूँ। तो जी हाँ, एक्टर और सिंगर बनना चाहता था मैं बचपन से। तो घर वालों ने ये नहीं कहा कि बेटा इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ? असल में मेरे पिताजी भी बड़े स्पेशल किस्म के इंसान थे, वो बहुत अच्छे कवि थे, और घर में हमेशा साहित्य का माहौल रहता था। कवि गोष्ठियां हमारे घर में हर हफ्ते कवि गोष्ठी होती थी, और मेरे पिताजी उसके संचालक हुआ करते थे। हिंदी के बड़े भारी विद्वान थे मेरे पिताजी, और बहुत सारी कविताएं लिखी उन्होंने, बहुत सारे उपन्यास लिखे, और कला के प्रति उनकी बहुत गहरी अभिरुचि रही। और जैसा माहौल घर में रहता है वैसा ही बच्चा बनता है, तो मेरे घर में वैसा ही माहौल था। मेरे पिताजी हमेशा मुझे प्रमोट करते थे, वो कहते थे कि जैसे हरिवंश राय बच्चन इतने बड़े कवि थे और उनका बेटा इतना बड़ा एक्टर बना, तो मैं भी कवि हूँ और मेरा बेटा भी एक्टर बनेगा है। तो मेरे पिताजी हमेशा मुझे इनकरेज करते थे एक्टिंग के लिए। और कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि फैमिली मेरी बड़ी अतरंगी सी रही है, और मेरे किसी भी संबंधी ने, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरे पिताजी हो, चाहे मेरी बहन हो, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं मेरे पारिवारिक जीवन में, किसी ने भी मेरे किसी भी फैसले का कभी भी विरोध नहीं किया। सब लोगों ने मुझे हमेशा इनकरेज किया और बहुत प्यार दिया, मेरी वजह से बहुत सेक्रीफाइसेस किए, और मैं उन सब का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। और ये सफर जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का आपने करने का फैसला लिया, कितना मुश्किल था ये सफर तय करना? ये सफर तय करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत है। जब मैं मुंबई आया था तो मेरी जेब में 100 का नोट था, और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा। तो बहुत बुरे दिन देखे। जिस घर में मैं सबसे पहले रात में रुका था, वो मुश्किल से, यानी आप समझ लीजिए कि जो एक दवाई की फैक्ट्री थी वो, और उस दवाई की फैक्ट्री में दुनिया भर की बदबू आ रही थी, और बीच में बिल्कुल आप समझ लीजिए कि मैं लेट सकूं इतनी जगह थी, और उस पर चटाई बिछा के मैं काफी समय तक वहां रहा। तो बहुत कठिन समय रहा। मैंने नौकरियां की बहुत सारी, मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया, मैंने जर्नलिज्म किया, पत्रकार था मैं, पत्रकारिता भी की है मैंने आपकी तरह, और बहुत शानदार जर्नी रही। मुझे लगता है कि जबरदस्त उतार चढ़ाव रहा मेरी इस जर्नी में, बहुत सारे कलर्स हैं मेरी इस जर्नी के, इमोशनल जर्नी है, बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जो शायद मैं बता भी नहीं पाऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर मुझे बहुत गर्व है अपनी इस जर्नी पे। मुझे भूखों रहना पड़ा, मैं खाने के लिए पैसे नहीं रहते थे, ऐसी भी स्थिति आई, और संघर्ष बहुत हुआ। जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन का मजा नहीं है, जिंदगी संघर्ष का ही नाम है। और
मैं यही मानता हूं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि भगवान ने मुझे संघर्ष करने की ताकत दी, और जब आप संघर्ष करते हैं तो भगवान आपको उस संघर्ष पर विजय पाने की ताकत भी देते हैं। तो मेरे पास बहुत ताकत है, भगवान ने दी है, और मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ। मेरे साथ जो जो हुआ है, जैसे मैं जब मल्टीनेशनल कंपनी में था तो मैं बहुत लंबे समय तक वहां था, और मैंने यही सोचा कि यार कब तक मैं ये कॉरपोरेट की नौकरी करूंगा। मैं तो एक्टर बनने आया था मुंबई, तो कॉरपोरेट की नौकरी करने तो आया नहीं था, तो मैं कब तक करूंगा। तो मैंने नौकरी छोड़ दी एक दिन पागलपन में। मैंने कहा नहीं करनी नौकरी, और बहुत अच्छी सैलरी थी मेरी, सब कुछ था। और मैंने जो काफी स्ट्रगल करने के बाद जो मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली थी, वो बहुत शानदार जॉब थी, और बहुत पैसे मिलते थे मुझे, बहुत लग्जूरियस लाइफ स्टाइल था मेरा। और उसको मैंने छोड़ा, मैंने कहा नहीं, मैं एक्टर बनने आया था, मुझे एक्टिंग करनी है। और आई केम बैक टू स्क्वायर वन। जितना भी पैसा, ग्रेचुटी का, प्रोविडेंट फंड का, सारा पैसा मैंने अपने होम लोन में लगा दिया। एक बड़ा सा घर मेरा है जिसको मैंने लिया हुआ है। तो मैंने कहा कि मुंबई में एक इतना लोग वन रूम किचन रहता है, तो उसका वीडियो बना के सबको दिखाते हैं ये मैंने घर खरीदा है, और मेरे पास इतना बड़ा बंगलो है, तो मैं इसको हाथ से नहीं जाने दे सकता। तो मैंने सारे हाँ तो मैंने सारे पैसे जो जो मिले मुझे, सब मैंने लगा दिया होम लोन में। और गाड़ी का लोन, गाड़ी की ईएमआई भरने के लिए पैसे नहीं बचे, तो मैंने गाड़ी बेची, उसका जो लोन था उसको फोर क्लोज किया। उसके बाद लोकल ट्रेन में गया, क्योंकि मुझे ऑडिशन देने जाना था 25 किलोमीटर दूर। लोकल ट्रेन में मैं चढ़ नहीं पाया, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई थी लग्जूरियस ढंग से जीने की, तो लोकल ट्रेन में मैं नहीं चढ़ पाया। बस के धक्के खाने की कोशिश की, वो भी नहीं हुआ। फिर गुस्से में मैंने कहा मैं कभी बस स्टॉप पे खड़ा ही नहीं रहूंगा, और कभी मैं वहां जाऊंगा ही नहीं लोकल ट्रेन पकड़ने, तो क्या करूँ। तो फिर पैदल जाऊंगा, तो क्योंकि मेरे पास टैक्सी के लिए पैसे थे नहीं, सारा पैसा होम लोन में लगा दिया था मैंने। तो मैं पैदल जाता था डेली 50-50 किलोमीटर दूर, और यानी 25 किलोमीटर यहाँ से अंधेरी, और फिर अंधेरी से वापस 25 किलोमीटर। तो बहुत ज्यादा कठिन रहा करने का, और लेकिन मुझे लगता है कि कठिनाई में ही मजा है। और एक्टिंग का जो ये काम है, ये जुनून वाला काम ही है। जो लोग अंदर से, आपको थोड़ा सा पागल होना पड़ेगा, अगर वो पागलपन आप में है, तभी आप ये इस लाइन में आने की सोचिए, वरना मत सोचिए। जी, और एक्टिंग में आने से पहले का सफर तो मुश्किल आपका रहा ही, लेकिन जब आप एक डिसाइड कर लेते हैं और ऑडिशंस के लिए जाने लगते हैं तो ऑब्वियसली रिजेक्शंस भी बहुत मिलते हैं। आपको भी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा होगा? मेरे साथ एक अच्छी बात ये रही, और इसी से मुझे ये लगता है कि एक्टिंग इज एब्सोल्युटली माय ट्रू कॉलिंग। बिकॉज जैसे ही मैंने कनिका एक्टिंग स्टार्ट की, और मैं 6 महीने तक मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन विद इन 6 मंथ्स एक्चुअली मुझे एडवर्टाइजिंग में बहुत काम मिलने लगा। और मेरा आइडिया का वो एड बड़ा सुपर हिट हुआ, जिसमें मैं बोलता था, आइडिया सर जी, आप कौन से पेड़ हो, प्री पेड़ हो के पोस्ट पेड़ हो। वो अभिषेक बच्चन के साथ था, अमित शर्मा जो बधाई हो के डायरेक्टर हैं, उन्होंने उसमें मुझे कास्ट किया था। अमित शर्मा का बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरे करियर में, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में उन्होंने मुझे बहुत सारी एड फिल्मों में ब्रेक दिया, और एडवर्टाइजिंग का मुझे स्टार बना दिया अमित शर्मा ने। और सबसे पहला ब्रेक मुझे गजराज राव ने दिया था एक एड के लिए, वो भी एड फिल्म मेकर है एक्टर के अलावा, तो उन्होंने दिया था। और फिर अमित शर्मा ने उठाया मुझे और बहुत सारी एड फिल्मों में काम दिया। तो देखते देखते 4 साल में मैंने 300 एड फिल्में कर ली, और मजा आया। यानी मुझे टच वुड ज्यादा रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं आज भी, मुझे याद है कि मैं जब कई बार एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मैं जब भी कोई एड का ऑडिशन देने जाता था, तो 10-12 एक्टर उठ के चले जाते थे मुझे देखते ही। वो बोलते थे अब ये आ गया है, तो अब तो किसी की दाल गलने वाली है नहीं, इसी का होगा, तो लोग चले जाते थे। तो मुझे बहुत जल्दी, यानी विद इन 6 मंथ्स आई वॉज लाइक प्रिटी बिजी विथ माई एक्टिंग असाइनमेंट्स। जी, और आप भी और गजराज जी भी एडवर्टाइजिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं और अभी दोनों एक्टिंग जगत में इतना कमाल कर रहे हैं, तो अभी आपने सोचा नहीं एक कोलैबोरेशन किया जाए दर्शकों के लिए कुछ किया, एक तो मैंने किया ना, टाटा प्रवेश का ऐड किया मैंने गजराज जी के साथ, अभी एड? किया नहीं, आप। फिल्म या टीवी, वेब सीरीज कुछ? हाँ वेब सीरीज करेंगे, फिल्म करेंगे,
ये इंडस्ट्री जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि मैं मेरा मानना है कि जब हम किसी के साथ काम करना चाहते हैं दिल से तो हम काम कर ही लेते हैं। अभी अभी एक ऐड मैं करने वाला था जिसमें वो मेरे ख्याल से डायरेक्टर थे, अनफॉर्चुनेटली वो किसी तरह वर्कआउट हो नहीं पाया, लेकिन जी हाँ गजराज जी के साथ कोलेबोरेशन करेंगे। एक फिल्म है जो कि उन्होंने सोचा हुआ है, उस बारे में मीटिंग चल रही है मेरे उनके साथ, एंड वी आर गोइंग टू डू इट। यस हम इसको सुन के बहुत एक्साइटेड हो गए हैं। अच्छा, और फिल्मों की हम बात करें तो आपने जैसे कई फिल्मों में हमने आपको देखा है, छिछोरे में हमने आपको देखा, इतना प्यारा सा आपका किरदार था, कॉमेडी भरा। आपको अपना डायलॉग याद है? हाँ, वो डायलॉग तो उसका जो सबसे अच्छा पंच है वो मुझे लगता है कि अच्छा बेटा लगता है गु खा के ही मानोगे वो बहुत हिट हुआ था, सब लोग बहुत बोलते हैं। तो मेरा छिछोरे में, छिछोरे मैंने फ्री में किया है, आपको मैं बता दूं। नितेश तिवारी चाहते थे कि मैं ये रोल करूं, और इसके पीछे भी एक बड़ी अच्छी कहानी है। मैं टाटा स्काई का ऐड कर रहा था आमिर खान के साथ, और आमिर खान को मेरा काम बहुत पसंद आया, उन्होंने बहुत तारीफ की मेरे काम की, कहा यार सानंद तेरे को बहुत काम मिलेगा, और मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया उनके साथ। तो आमिर खान के साथ एक बंदा था, वो बंदा ना साइड किक जैसा लग रहा था, बहुत उससे बात कर, जो होता है ना कि कोई बड़ा सुपरस्टार होता है तो उसका कोई कॉलेज वॉलेज का दोस्त होता है या कुछ ऐसा फ्रेंड होता है जो कि उसके साथ ही चिपका रहता है, तो वही था। तो मुझे लगा ये होगा कोई दोस्त ऐसा ही, मैंने उतना ध्यान दिया नहीं, मैं वैसे भी थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत ज्यादा ध्यान देता नहीं। तो उन्होंने, आमिर खान ने उस अपने दोस्त से बोला कि भाई ये देखिए ऐड इसने किया है सानंद ने, और अमित शर्मा ने उस ऐड को डायरेक्ट किया था, वो केबीसी का ऐड था जिसका थीम था अकबर का बाप कौन, अकबर का बाप कौन। तो वो मेरा बेटा है एक 6-7 साल का, वो मेरे से बार बार आके पूछ रहा है पापा अकबर का बाप कौन, और मैं उसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ संडे है बेटा, संडे को तू क्या बात कर रहा है, कभी आराम भी कर लिया कर, ये सब हो रहा है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और एंड में अमिताभ बच्चन मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि अकबर के पिता का नाम क्या था, और मैं झेप जाता हूँ। है तो कोई भी सवाल छोटा नहीं होता इस टाइप से उसका, केबीसी का कौन बनेगा करोड़पति का वो था। तो वो एड आमिर खान ने उस बंदे को दिखाया कि ये देखा अकबर का बाप कौन, ये इसने सानंद का कितना अच्छा एड है, और अमित शर्मा ने डायरेक्ट किया है। तो मैंने कहा दिखा रहे दिखा रहे, सब हो गया। अभी जब मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया कि नितेश तिवारी आपके साथ काम करना चाहते हैं इस छिछोरे नाम की फिल्म में, छोटा सीन है पर वो चाहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप ही करें, हाँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं खुश हो गया, मैंने कहा कि नितेश तिवारी दंगल के डायरेक्टर, यार इतने बड़े डायरेक्टर हैं, दंगल हमारी नंबर 1 फिल्म है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। तो मैंने कहा हाँ मैं करूंगा जरूर, इसी बार उनसे मिलना भी हो जाएगा। तो जब मैं सेट पे गया तो नितेश तिवारी मेरे सामने आया और गले लगाते हुए बोले अकबर का बाप कौन के बाद आज ही मिल रहे हैं सानंद तो वो अकबर का बाप कौन वाला जो आमिर खान के साथ थे, जिनको मैं साइड किक समझ रहा था आमिर खान का, वो एक्चुअली नितेश तिवारी थे तो मैं मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने पैसे वैसे भी नहीं लिए, मैंने कहा मुझे करना है बस, और बहुत अच्छा वो डिसीजन था मेरा, बहुत मजा आया मुझे वो करने में। और नितेश तिवारी अल्टीमेट डायरेक्टर है, बहुत सुपर टैलेंटेड है वो, और साथ में डेफिनेटली सुशांत सिंह राजपूत के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, सुशांत भी गजब का एक्टर था, बहुत प्यारा इंसान था हमेशा। बीच बीच में मैं तो जब ये घटना घटी तो मैं बहुत दुखी भी हुआ, बहुत रोया भी एक्चुअली, मैंने कहा कि एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का था, पटना से ही था, मैं भी पटना से ही हूँ, मेरी पैदाइश पटना की है, तो बहुत ही टैलेंटेड लड़का था, पता नहीं क्या गड़बड़ हुई उसके साथ बेचारे के साथ के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत मैं दिल से मिस करता हूँ इन चीजों को, चाहे वो सुशांत हो, उनका गुजर जाना, और जैसा भी उनके साथ हुआ मैं बहुत मिस करता हूँ, मैं आज भी इमोशनल हो जाता हूँ सोच के उनके बारे में। ठीक है। और सेक्रेट गेम्स में आपने किरदार निभाया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, आप टक्कर दे रहे थे स्क्रीन पे। हाँ, नहीं नवाज भाई तो बहुत बड़े एक्टर हैं, मैं क्या उनको टक्कर दूंगा, मैं बस उनके साथ काम करने का मौका मिला और इस वजह से मैं बहुत खुश हुआ कि इतने बड़े एक्टर हैं। और मैं तो नवाज भाई को असल में बहुत बड़ा एक्टर मानता हूँ, मैं नवाज भाई को, मेरा मानना है कि शायद
इंडिया में उनके जैसा एक्टर होगा ही नहीं कोई दूसरा। मुझे इतने पसंद हैं, और इसका रीजन भी आपको बताता हूँ क्या है कि जैसे मान लीजिए व्हेन यू लुक एट अमिताभ बच्चन, आपको लगेगा कि किसी दूसरी दुनिया से ये शख्स आया है। अमिताभ बच्चन को जब आप देखेंगे तो आपको आपकी नजर ही नहीं हटेगी अमिताभ पर से। वो इतने इतनी इतनी शानदार पर्सनैलिटी है उनकी, ऐसा लगता है जैसे खुदा है वो, भगवान है, ऐसा उनके अंदर से ऑरा निकलता है और आप मंत्रमुग्ध रह जाती उनको देख, है ना। तो उनकी पर्सनैलिटी वैसी है, उनकी परफॉर्मेंस वैसी है, उनकी आवाज वैसी है, उनकी हार्डवर्क वैसी है, उनके स्किल्स वैसे हैं, इसलिए वो अमिताभ बच्चन। वैसा कोई दूसरा कभी पैदा ही नहीं होगा अमिताभ बच्चन दोबारा, है ना। लेकिन नवाज भाई जो हैं, उनकी पर्सनैलिटी में जान नहीं, समझिए आप, वो बहुत ही वीक पर्सनैलिटी है उनकी, है ना। आप उनको जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार कैसा, कुछ है ही नहीं इस आदमी में, अजीब सा नाटा सा आदमी, ना हाइट है, ना चेहरा है ना खूबसूरती है, बहुत ही ज्यादा यानी बिलो एवरेज पर्सनैलिटी है नवाज भाई की, बावजूद इसके। और ना ही उनका कोई गॉडफादर, अमिताभ बच्चन के तो पिताजी इतने महान कवि थे और गांधी परिवार से उनके संबंध रहे, वो लोग बड़े लोग थे, है ना, बहुत बड़े घराने से अमिताभ बच्चन ताल्लुक रखते थे। तो वो जब यहाँ आए, उन्होंने अपनी मेहनत से अपना एक बहुत बड़ा मकाम हासिल किया, और वो डेफिनेटली सुपरस्टार हैं और हमेशा रहेंगे, मेरे रोल मॉडल है वो अमिताभ बच्चन। पर नवाज भाई के पास कुछ भी नहीं था, ना ही उनको ये पता था बचपन से कि उनको एक्टर बनना है। ऐसे ही कभी बाई मिस्टेक थिएटर में कोई प्ले देखने चले गए और देख के लगा, अरे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ यार, मैं भी करूंगा, मैं एक्टर ही बन जाऊंगा। और उसके बाद एनएसडी में ट्राई किया, एनएसडी में हो गया, और कितना स्ट्रगल किया, मुंबई में 15 साल तक जूते घिसे उन्होंने, कितनी मेहनत की, उसके बाद जाके उनको कुछ मौके मिले और बात बनी उनकी, वरना छोटे छोटे रोल करते थे। तो उनका जो स्ट्रगल है और उनकी जो पर्सनैलिटी है, उसको देखते हुए उन्होंने जो स्टेटस हासिल किया है, वो इम्पॉसिबल लगता है मुझे किसी के लिए भी हासिल करना। तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ नवाज भाई का, बहुत बड़ा फैन हूँ, वो मेरे मेरे इंस्पिरेशन है वो। मैं दिल से उनको प्रणाम करता हूँ और उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। यानी वो मैजिक मैजिक है, ही इज द मैजिक, यू नो, इट्स अ मैजिक। किसी भी जिंदगी, किसी भी इंसान की लाइफ में, किसी भी एक्टर की लाइफ में अगर कुछ मैजिक हो सकता है तो वो मैजिक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। क्योंकि नवाज भाई जिस लेवल पे पहुंचे हैं, उस लेवल पे पहुंचना बहुत बड़ी बात है। जैसी उनकी पर्सनैलिटी है, जैसे उनके स्किल्स हैं, जैसा उनका बैकग्राउंड है, उसके आधार पर बोल रहा हूं। जी, और इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में और वेब सीरीज में आपने साइड रोल्स किए हैं, और दूसरी तरफ एक ये सक्सेना जी का किरदार आपने निभाया है, 5 साल से निभा रहे हैं। कौन से इंडस्ट्री ने आपके करियर को बूस्ट दिया है? मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन इंडस्ट्री जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट रहता है दर्शकों के साथ, क्योंकि हम एक अपॉइंटमेंट व्यूइंग है उसमें। हर रोज रात को 10:30 बजे मैं बेडरूम में घुस जाता हूँ, ड्राइंग रूम में घुस जाता हूँ और लोगों से बात करने लगता हूँ, लोगों को एंटरटेन करने लगता हूँ। तो वो एक घरेलू रिश्ता हो जाता है दर्शकों के साथ, है ना। तो टेलीविजन इंडस्ट्री ने, सक्सेना ने मुझे बहुत नाम दिया, बहुत खुशी दी। और जहां तक फिल्मों की बात है तो ऐसा नहीं है कि फिल्मों में मैंने सिर्फ साइड रोल्स किए हैं। विशाल भारद्वाज जो कि इस इंडस्ट्री के एक बहुत ही बड़े फिल्म मेकर हैं, जिनको पता नहीं कितने 9-10 नेशनल अवार्ड मिले हैं, उनकी फिल्म में पटाखा में मैं लीडिंग कैरेक्टर में हूँ। पटाखा अगर आपने देखी हो, जिसको 5-5 स्टार मिले थे और क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म है वो, आप उसको कभी भी अमेजॉन प्राइम पे देख सकती हैं, और बहुत ज्यादा बढ़िया फिल्म है वो। उसमें मैं लीडिंग कैरेक्टर किया है, मैंने वन ऑफ द लीड्स हूँ मैं। फिर वेब सीरीज की बात करें तो अपहरण नाम की एक वेब सीरीज है जो कि ऑल्ट वाला जी की है, वो आइकॉनिक वेब सीरीज मानी जाती है। यानी वो ऐसी वेब सीरीज है कि आज तक कभी भी किसी ने सोचा नहीं होगा, इस लेवल की वेब सीरीज है वो, है ऑल्ट बालाजी पे, और बहुत ज्यादा उसकी फैन फॉलोइंग है, यानी वो कल्ट फैन फॉलोइंग है उसकी।
उसमें मैं लीड कैरेक्टर में हूँ, मैं मेरा दुबे जी का कैरेक्टर, यानी आप ये समझ लीजिए कि मैंने 1,500 से ज्यादा एपिसोड्स किए हैं भाभी जी के, और अपहरण के मैंने 6-7 एपिसोड किए हैं, पर भाभी जी से लोग मुझे जितना जानते हैं उसी उतना ही अपहरण से भी जानते हैं लोग। कई बार ऐसा होता है जब लोग भाभी जी से नहीं जानते हैं, वो मुझे दुबे जी बुलाते हैं, दुबे जी बोलते हैं जो मेरा अपहरण का कैरेक्टर है, वो सक्सेना जी नहीं बोलते हैं, वो दुबे जी बोलते हैं, क्योंकि बहुत तरह के अलग अलग दर्शक है ना, हर आदमी भाभी जी नहीं देखता है, पर ज्यादातर लोग आजकल आप ध्यान दें, एक ऑटो रिक्शा वाला भी जो है वो हाथ में मोबाइल लेके 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन खरीदता है और वेब सीरीज देखता रहता है। तो ऑल्ट बालाजी की रीच भी बहुत जबरदस्त है, या Z5 की रीच भी बहुत जबरदस्त है ना, मासेज में, ठीक है ना। तो उसमें अपहरण जैसा वेब सीरीज आता है जिसमें के मुझे मुझे आज तक सक्सेना के लिए अवार्ड नहीं मिला, पर अपहरण के लिए अवार्ड मिला। ITI अवार्ड जो मुझे मिला वो अपहरण के लिए ही मिला। मैं अभी एक दिल्ली एयरपोर्ट पे था, तो दो गेट थे, मैंने देखा दो गेट हैं ऐसे, एक गेट के बाहर 200 लोगों की लाइन थी, दूसरा गेट जो था वो खाली था बिल्कुल, तो उसपे कुछ बीच बीच में एक आध लोग आई कार्ड दिखा के जा रहे थे, कुछ पायलट टाइप के लोग जा रहे थे, वो स्टाफ के लिए था, वो था ही नहीं आम आम ट्रेवलर्स के लिए। और मैं उधर ही घुसने लगा जहां पे कोई था ही नहीं, तो पुलिस वाले ने चिल्लाया हुआ उधर जाओ उधर जाओ, हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा नजदीक गया तो उसने बोला है दुबे जी, उसने सीधा ये बोला दुबे जी, बोलता है अपहरण 4 बार देखा मैंने, 4 बार अपहरण देखा, आप आइए। और मेरे को वो अगर मैं उस लाइन में जाता तो 1.5 घंटे ज्यादा लग जाता, मुझे उसने इसी लाइन से घुसा दिया और मैं 1 सेकंड में अंदर। तो इतना प्यार करते हैं। मैं अभी सर्बिया जा रहा था, यूरोप जा रहा था, तो मेरी घड़ी बाहर छूट गई थी सिक्योरिटी में, उसके लिए पासपोर्ट जमा करने मैं इमिग्रेशन में गया ताकि सिक्योरिटी में जाके घड़ी ले सकूं, और इमिग्रेशन में 10 लोग थे, सबने मुझे देखते ही बोला अरे पुरुषोत्तम भाई, सेक्रेट गेम्स में मेरा कैरेक्टर जो है पुरुषोत्तम भाई का, वो लोग सब सेक्रेट गेम्स की वजह से मुझे जानते थे। इमिग्रेशन में 8-10 लोग थे, वहां किसी ने सक्सेना का नाम नहीं लिया, किसी ने भाभी जी का नाम नहीं लिया। तो मेरे हिसाब से हर इंडस्ट्री जो है वो शानदार है, हर इंडस्ट्री की अपनी अपनी पैठ है, अपनी अपनी रीच है, हर इंडस्ट्री के अपने दर्शक है, और हर इंडस्ट्री, चाहे वो टेलीविजन इंडस्ट्री हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो अपना वेब इंडस्ट्री हो, अपना वेब सीरीज हो, जो OTT हो, सॉरी OTT प्लेटफॉर्म्स हो, या थिएटर हो, है ना, हर चीज का अपना मजा है, अपनी खूबसूरती है, और एज एन एक्टर मैं सबको सिमिलर इम्पोर्टेंस देता हूँ। यही रीजन है कि मैंने आज तक कभी भी सोचा भी नहीं कि मैं ये शो छोड़ दूं भाभी जी, क्योंकि भगवान की दया से बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती हैं, बहुत सारे काम मैं करता हूँ, पर फिर भी कभी मैंने भावे जी छोड़ने का सोचा भी नहीं। मैंने कहा कि मैं चाहे अमिताभ बच्चन जितना बड़ा सुपरस्टार क्यों ना बन जाऊं, पर मैं भावे जी नहीं छोड़ूंगा, भावे जी का आखिरी एपिसोड तक रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, और आपके पर्सनल लाइफ की बात करें तो कौन है आपके घर में, कौन कौन है? मेरे पास जो सबसे खूबसूरत चीज है वो मेरी फैमिली है, जिसमें कि मेरी माँ है, मेरी बहन है, और मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। जहाँ तक इसका मैरिटल स्टेटस की बात है, वो मैं कभी किसी से शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके कुछ प्रोफेशनल रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं वो उसको पर्सनली रखता हूँ। ओके, ठीक है। और आपका जो नाम है सानंद, सानंद क्या मतलब है इसका? का मतलब होता है खुश, सानंद का मतलब होता है हैप्पी, और आनंद जो है, आनंद मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, आनंद मतलब हैप्पीनेस, और सानंद मतलब हैप्पी, यानी जो आनंद के साथ है, सानंद है ना, यानी वो खुश, हैप्पी, तो सानंद का मतलब है खुश। और सच यही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम ट्रूली हैप्पी। तो जो मेरा नाम है उस नाम को मैं जीता हूँ, और मैं वो होता है ना, एक कहावत है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख है, कि तो वैसी बात मेरे साथ नहीं है, मेरा जो नाम है मैं वैसा ही हूँ भी, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम खुश रहता हूँ, और कभी अगर कुछ किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो उसको मैं अपनी ताकत से और भगवान की दया से उसको उसके ऊपर बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर लेता हूँ और फिर खुश हो जाता हूँ।
आप खुद तो हैप्पी रहते ही अपने दर्शकों को भी हैप्पी करके रखते हैं। और मेरा आपने मेरा जी मेरा यही काम हैप्पी करना काम है। मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ। भगवान ने मुझे, देखिए हर आदमी का अपना अपना मकसद होता है इस धरती पे आने का, ठीक है। हम सब, वो जो राजेश खन्ना ने बोला आनंद में, बिल्कुल सही है, हम सब कठपुतली हैं और ये दुनिया एक रंगमंच है, और ऊपर वाला कलाकार जो है वो सब, हम सब कठपुतलियों घुमा रहा है। तो सब ऊपर वाले को पता है किसको क्या करना है, किसको क्या रूप देना है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किसका क्या काम है। मेरा काम है लोगों को हंसाना, लोगों को एंटरटेन करना, और मुझे ऐसा फील होता है, अभी तक यही फील हुआ है, तो मैं अपना काम बस करता रहता हूँ। अश्नूर जी। और अश्नूर के साथ आप एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। अरे कमाल है वो, अश्नूर के साथ, अश्नूर कमाल है। अश्नूर के साथ ना मैंने एक फिल्म किया, उसका नाम है स्वाद। तो स्वाद जो फिल्म है, उस फिल्म में ना हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं सचिन गुप्ता, वो हमेशा खाने पीने की चीजों से जुड़ी हुई चीजें बनाते हैं। उनकी पहले फिल्म का नाम ही था पराठे वाली गली, वो उनकी पहली फिल्म थी पराठे वाली गली। तो हमेशा उनकी फिल्मों में खाने पीने का जिक्र होता है, और ये भी जिंदगी के स्वाद से जुड़ी हुई बात है, और जिंदगी में कैसे कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे स्वाद जो हैं वो गायब हो गए, या बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे स्वाद हैं जिनको हम मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो उसी से जुड़ी हुई चार कहानियां हैं, जिन कहानियों को एक साथ है, पिरोया है सचिन गुप्ता जी ने, और उसमें एक कहानी में मैं हूं और अश्नूर है। बहुत प्यारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, और आपको एक मेरा भी अलग रूप दिखाई देगा और अश्नूर का भी अलग रूप दिखाई देगा। अश्नूर ने भी आज तक कभी भी वैसा कैरेक्टर नहीं किया है जो उसने स्वाद में किया है। तो आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू स्वाद। कब और कहाँ देखने को मिलेगी? मोस्टली बोल तो रहते हॉटस्टार, तो देखते हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा चांस यही है कि हॉटस्टार पे ही स्वाद आएगी, बट आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। अभी कुछ बातचीत चल रही है, देखते हैं, पता चलेगा आपको जल्दी। ओके। और जो कोविड का जो टाइम, वैसे अभी तक खत्म नहीं हुआ है पेंडेमिक, लेकिन पिछला जो एक टाइम था जब शूटिंग्स भी बंद हो गई थी, वो टाइम आपके लिए कैसा था? देखिए, जब शूटिंग बंद हुई थी उस दौरान मैंने ये सोचा कि मैं एक एक्टर हूं और मेरे फैंस जो हैं वो घर पे बैठे हैं और बोर हो रहे हैं, ठीक है। वो देख रहे हैं तो भाभी जी के रिपीट एपिसोड्स देख रहे हैं, ठीक है। मेरा काम है कि उनको कुछ फ्रेश कंटेंट दिया जाए, उनको उन तक पहुंचा जाए। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता नहीं, ना के बराबर रहता हूँ। आप देखें इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालता हूँ मैं 1 महीने में, तो मैं बहुत कम एक्टिव रहता हूँ सोशल साइट्स पे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान, जब मेरा पहला लॉकडाउन का एक्सपीरियंस हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे जो फैंस हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे जो दर्शक हैं, वो अभी अभी अपने अपने घरों पे बैठे हैं और वो चाह रहे होंगे कि सक्सेना जी का कुछ नया रूप देखें, कुछ देखें। तो मैंने उस समय टिकटॉक बनाना पहली बार शुरू किया था, और टिकटॉक में मैंने, स्क्रिप्ट मेरी होती थी, सब ओरिजिनल कंटेंट था पूरी तरह से, स्क्रिप्ट मेरी, डायरेक्शन मेरा, परफॉर्मेंस मेरा, सब कुछ मेरा खुद का रहता था। और मैंने टिकटॉक पे 1 महीने तक ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज टू पुट वन वीडियो, हर दिन मैं कुछ नया कंटेंट क्रिएट करता था और उसको टिकटॉक पे डालता था, और 1 महीने के अंदर मेरे फॉलोअर्स मिलियंस में चले गए थे। विद इन अ मंथ्स टाइम मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आई हैड। लेकिन उसके बाद फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो मैंने बंद कर दिया, और फिर टिकटॉक भी बंद हो गया जब मैंने बंद जी किया तो और शूटिंग शुरू हो गई, तो शूटिंग जब शुरू हो गई तो मैं भूल गया। जब तक मैं घर पे बैठा था, लॉकडाउन था, तब तक मैं एक सोशल साइट को यूज कर रहा था और अपने ऑडियंस तक पहुंच रहा था। फिर जब एक बार शूटिंग शुरू हुई अपना अपना जो बायो बबल वाली उसके साथ, प्रोटोकॉल के साथ, तो फिर मैं वो सब मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैंने क्रिएटिवली अपने आप को बहुत इंजॉय किया, आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ क्रिएटिवली ड्यूरिंग दैट लॉकडाउन पीरियड। क्या एक वजह है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते हैं आप? इसकी वजह ये है कनिका, के आई एम बेसिकली
अ पर्सन हु थिंक्स एब्सोल्युटली फ्रॉम हार्ट, यू नो, मैं दिमाग से ज्यादा नहीं सोचता हूँ, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल आदमी हूँ, मैं दिल से सोचता हूँ हमेशा। और पता नहीं क्यों सोशल साइट्स या वर्चुअल चीजें जो है वो मुझे उतना कनेक्ट नहीं कर पाती हैं, उतनी रियल नहीं लगती हैं। मैं नेचर लविंग पर्सन हूँ। अभी जैसे आप हैं, आपसे मेरी बात हो रही है, आई कैन कनेक्ट विथ यू, आई कैन सी यू, आई कैन टॉक टू यू, एंड आई कैन ओपन माई हार्ट आउट टू यू, यू नो। लेकिन जो सोशल मीडिया है वो पता नहीं क्यों मुझे वर्चुअल रियलिटी लगती है, और वर्चुअल रियलिटी जो है वो मुझे उतना ज्यादा टच नहीं करती है या उतना इम्प्रेस नहीं करती है। तो यही रीजन है कि मैं सोशल साइट्स को उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं दिल से, मुझे बहुत खुशी महसूस नहीं होती है। जो काम करने में आपको दिल से खुशी महसूस हो, आपको वही काम करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोशल सोशल साइट्स पे एक्टिव रहना कुछ गलत बात है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को भी मजा आता है उनको रहना चाहिए, जिन लोगों को मजा आता है 24 घंटे लगे रहे वो, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल द बेस्ट टू देम। पर मुझे मजा नहीं आता, तो जब मजा नहीं आता तो मैं वो काम करता नहीं हूँ। मुझे जिस चीज में मजा आता है मैं वही करता हूँ। जैसे मुझे मधुर भंडारकर के साथ अभी मैंने एक फीचर फिल्म की है, इंडिया लॉकडाउन, वो उसमें मेरा प्राइमरी कैरेक्टर है, वन ऑफ द लीड्स हूँ मैं भी। उसमें भी वही है, मजे की बात की है, जैसे आपने, आपको सचिन गुप्ता का बताया ना, इंडिया लॉकडाउन में भी ऐसी है, चार कहानियां हैं, डेढ़ अपना 2 घंटे की फिल्म होगी, कुछ 2 घंटे के आसपास, चार कहानियां हैं। प्रतीक बब्बर हैं उसमें, श्वेता बासु प्रसाद हैं, जिनको मकड़ी के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, जिन्होंने अभी ताशकंद फाइल्स में बहुत अच्छा रोल किया, बहुत अच्छी एक्टर हैं वो। और मधुर भंडारकर ने डायरेक्ट किया है, इतने बड़े मेरे तो ड्रीम डायरेक्टर हैं वो। चांदनी बार मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है, तो उनके साथ मैंने इंडिया लॉकडाउन फिल्म की, तो उसमें जब मैं उनसे मिला तो एक रियलिटी दिखाई देती है उसमें, है ना। तो मैं जब अगर इंडिया लॉकडाउन से जुड़ी हुई कोई बात है तो वो मैं डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगा, ताकि इंस्टाग्राम पे जितने भी लोग हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, वो लोग समझें कि हाँ इंडिया लॉकडाउन क्या फिल्म है, और वो लोग आके देखेंगे, है ना। लेकिन ऐसे ही कि हाँ भैया मैं अभी गोवा एयरपोर्ट पे हूँ, हाँ भैया मैं अभी अभी चड्डी में हूँ, हाँ मैं अभी अपना ये नेकलेस खरीद रहा हूँ, है, तो ये सब पता नहीं क्यों मुझे बहुत बेकार लगता है। मैं आई के नॉट डू ऑल दिस, यू नो, के छोटी 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 चीजों का जो लोग अपडेट देते रहते हैं ना, तो मुझसे वो नहीं होता है, मैं वो नहीं कर सकता। तो अगर मैं वो नहीं कर सकता तो या तो मैं फ्रेश कंटेंट बनाऊं, जैसे मैंने लॉकडाउन के समय किया था टिकटॉक के लिए, तो वो बनाऊं, तो उसको वो बनाने के लिए मेरे पास पेशेंस है नहीं। मैं हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिवली अपने आप को पॉलिश करने में और लर्निंग में लगा रहता हूँ, और उसमें उन चीजों के लिए जगह नहीं है, तो इसीलिए मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ। जितना जरूरी है बस उतना ही आता हूँ। जी, और आप इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक इंसान को फॉलो करते हैं। और उनका नाम मधुर भंडारकर है। मधुर भंडारकर मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, मैं आपको बताऊं, जब मैं उनके साथ शूटिंग कर रहा था इंडिया लॉकडाउन का, तो मैं बिल्कुल हिल गया। ऐसा इंसान मैंने आई आई नेवर इमेजिन के मधुर भंडारकर इतने अच्छे होंगे, हैं बहुत, क्योंकि उनकी फिल्मों में मजा तो आता ही है, पर थोड़ी सी डार्क फिल्में बनाते हैं वो, तो मुझे लगता था सीरियस टाइप के होंगे थोड़े, हैं, लेकिन वो तो कमाल है, बिल्कुल अल्टीमेट फिल्म मेकर है वो, बहुत जबरदस्त इंसान है, बहुत प्यारे आदमी है, बहुत, इतना हंसाते हैं पेट में दर्द हो जाता है उनके साथ काम करते करते, पेट में दर्द हो जाता था हंसते हंसते, इतना हंसाते हैं वो। उनका ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना कि मैंने शायद ही किसी फिल्म मेकर का ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर मैंने देखा होगा, और बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत नॉर्मल, बहुत प्यार करते हैं हर छोटे छोटे बंदे, कोई भी हो, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, लाइट मैन हो, हर आदमी से बहुत अच्छे से पेश आते हैं, और कमाल के इंसान है वो। तो मैंने उनको इसलिए फॉलो किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये अपने आप में एक स्टाइल स्टेटमेंट होगा। मेरी जीरो फॉलोइंग थी, है, तो मैंने मधुर जी को यही बोला कि मैं सिर्फ आपको फॉलो करूंगा और ये मेरा स्टाइल स्टेटमेंट होगा। नॉर्मली जीरो फॉलोइंग एक स्टाइल स्टेटमेंट माना जाता है, मैंने कहा कि मेरा स्टाइल स्टेटमेंट है मधुर भंडारकर, मैं मधुर भंडारकर को फॉलो करता हूँ, ये मेरा स्टाइल स्टेटमेंट है। तो आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जाएंगे ना, तो मेरे फेसबुक पेज पे भी मैंने सिर्फ मधुर भंडारकर को फॉलो किया हुआ,
मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और इसीलिए इंस्टाग्राम पे मैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करता हूँ। राइट और ये जो दोनों आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया लॉकडाउन और सार, दोनों आपस में कितने मेल खाते हैं या कितने अलग हैं, और आपका किरदार कैसा है दोनों? जो स्वाद है, स्वाद में बेसिकली चार कहानियां हैं, ह्यूमन स्टोरीज हैं, और वो जो कहानियां हैं उसमें कहीं ना कहीं से खाने पीने की बात जुड़ी हुई है ना, तो इसीलिए उसका नाम स्वाद है, पर उसका लॉकडाउन से कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा और हाँ, और उसमें जो मेरा रोल है स्वाद में, अशनूर कौर जो है वो निभा रही है एक बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस का रोल, और मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ, और मेरी ड्रीम को एक्ट्रेस है वो, जिसका नाम है रायमा है, यानी उस एक्ट्रेस का नाम है रायमा, तो वो मेरी ड्रीम को एक्टर है जिसके साथ मैं काम करने के लिए मरा जा रहा हूँ। बिल्कुल, आई एम जस्ट डाइंग टू वर्क विद हर, यू नो, वो मेरी ड्रीम को एक्टर है, और मैं वही काम वाम मिलता नहीं है, डेली 10 ऑडिशन देता हूँ, वो वाला एक्टर जो होता है ना, बस वही एक्टर हूँ मैं है, और मुझे बाई चांस एक मौका मिल जाता है उसके साथ काम करने का, एक छोटा सा ही सीन है पर वो मुझे मिलता है, और उसके बाद जब मैं जाता हूँ उसके साथ काम करने, उसके बाद क्या रायता फैलता है, ये स्वाद की कहानी है। अच्छा और जी, बहुत मजेदार कहानी है वो। और इंडिया लॉकडाउन तो अपने आप में एक अलग ही चीज है, मधुर भंडारकर सर ने अपने लेवल पे एक से एक फिल्में बनाई हैं, पर इंडिया लॉकडाउन मुझे लगता है इज गोइंग टू बी वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स। अभी तक उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, एक से एक फिल्में हैं उनकी, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल हो, चाहे वो चांदनी बार हो, बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने, कॉरपोरेट हो, फैशन हो, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, लेकिन ये फिल्म जो है इंडिया लॉकडाउन, इसमें एक अलग ही टेस्ट आपको नजर आएगा जो कि बहुत अलग है, क्योंकि अभी आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि हम सब ने अपनी लाइफ टाइम में पहली बार कुछ ऐसा देखा है कनिका जो किसी ने नहीं देखा था। ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, ये जो लॉकडाउन वर्ड जो है वो इतना पॉपुलर हो गया, मुझे लगता है कि मुश्किल से 10% लोगों को पता होगा लॉकडाउन वर्ड का मतलब, या वो फेमिलियर रहे होंगे लॉकडाउन वर्ड्स, पर आज की डेट में हर आदमी, एक गांव का बंदा भी जानता है, हाँ भैया लॉकडाउन चल रहा है अभी, लॉकडाउन, वो भी लॉकडाउन चल रहा है ऐसा बोलता है वो, है ना। तो लॉकडाउन जो है वो, जिसने ABCD की पढ़ाई नहीं की है उसको भी लॉकडाउन का मतलब पता चल गया, और पेंडेमिक का मतलब पता चल गया, और ये बड़े बड़े शब्द आ गए हैं, पेंडेमिक और लॉकडाउन और कोविड और कोरोना और क्या क्वारंटीन। क्या क्वारंटीन, हाँ, तो ये सब जो है ना बहुत यूनिक टाइम्स है, अभी बहुत स्पेशल है, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी में कभी भी इस तरह का कुछ होने वाला है, और ये हो गया, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है सब कुछ, तो इसमें ना लाइफ बहुत चेंज हो गई है, लाइफ चेंज हो गई है, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, लोगों का थिंकिंग पैटर्न चेंज हो गया है, यू नो, लोग अलग ढंग से सोचने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया लॉकडाउन में ना एक बहुत ही फ्रेश थिंकिंग के साथ मधुर भंडारकर सर ने एक बहुत ही फ्रेश थिंकिंग के साथ एक बहुत ही यूनिक पिक्चर बनाई है, बहुत ही यूनिक फिल्म है ये इंडिया लॉकडाउन, जिसमें कि आपको लॉकडाउन से जुड़ी हुई चार ऐसी कहानियां देखने को मिलेंगी जो कि अलग अलग लेवल पे आपको बहुत ज्यादा टच करेंगे, और आप इतना ज्यादा उससे कनेक्ट करेंगे ना, चाहे वो कमाटीपुरा के सेक्स वर्कर्स की हालत क्या हुई थी वो है, एक एयर होस्टेस की कहानी है कि उस पर उसके ऊपर क्या गुजरी, एक कैसे घर में अकेला एक बंदा रह गया उसके साथ क्या हुआ, फिर जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनका, वो जो जाते हैं अपने गांव जो गए हैं उनके साथ कैसा क्या गुजरी क्या बीती, तो बहुत ज्यादा दिल को छूने वाली और बहुत ही एंटरटेनिंग, एंटरटेनमेंट भर भर के इसमें, पब्लिक पागल हो जाएगी, इतना सॉलिड एंटरटेनमेंट है मधुर सर की इस फिल्म इंडिया लॉकडाउन में, जबरदस्त एंटरटेनमेंट है और जबरदस्त इमोशंस हैं, यानी वो हर चीज है जो एक मिलके एक ग्रेट फिल्म बनाती, तो इंडिया लॉकडाउन इज गोइंग टू बी, और मैं लाइफ में आज तक कभी भी जो काम मैंने नहीं किया है वो मैंने इसमें किया है इंडिया लॉकडाउन में। मैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हूँ तो आपको अभी अपना रोल बता नहीं सकता, पर इतना जरूर कहूंगा कि जो मेरी कहानी है वो सबसे ज्यादा मसालेदार कहानी है, और अच्छा बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। कमाटीपुरा के सेक्स वर्कर्स वाली कहानी में मैं हूँ,
और वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे शूट किया है मधुसर ने, और बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज बन के निकली है वो। जी, इस इंटरव्यू के बाद मुझे और हमारे दर्शकों को एक बात तो पता चल गई है कि आप बहुत ही सिक्योर एक्टर हैं, और आपका काम जो हमने देखा है इतने टाइम में और आपका जो लाइनअप है उससे ये पता चल गया है कि ऑडियंस को आप डिसअपॉइंट कभी नहीं करेंगे, है ना? थैंक तो थैंक यू फॉर दिस कॉन्वर्सेशन यू, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच कनिका, थैंक्स फॉर हैविंग मी, गॉड ब्लेस यू, बाय। थैंक यू।